हेलो एंड वेलकम। आज की द लीडर स्टोरी में हम मिलवाते हैं मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुमित सूरी जी से। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे टूरिज्म एवं होटल इंडस्ट्री पर। जी सुमित जी, हमारा इंदौर दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में स्थित है। जी हमारे बाहर के जो पर्यटक हैं वो इंदौर आकर रुक कर उज्जैन एवं ओंकारेश्वर की यात्रा या दर्शन कर सकते हैं। जी सर, इंदौर में तकरीबन कितने होटल हैं? इंदौर में तकरीबन छोटे बड़े 500 होटल हैं, लगभग 500 होटल के लगभग इंदौर में हैं, और 200-300 मैरिज गार्डन्स हैं। अच्छा जी। अच्छा, इंदौर में होटल के कमरों की संख्या लगभग 10,000 कमरों के लगभग इंदौर में होटल की कमरों की संख्या है। सर, कोविड महामारी के बाद जी होटल इंडस्ट्री में अभी क्या बदलाव देखने को मिले आपको? देखिए, कोविड का समय में हम लोग सबसे पहले प्रभावित हो गए थे। कोविड में सबसे पहले लोगों का आना जाना, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, सब चीजें रुक गई थी। जी तो हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित होने वाली इंडस्ट्री थी, और कोविड के अपन कहें खत्म जैसा हो गया है, तो खत्म होने के बाद भी हम सबसे लास्ट हैं जो रिकवर करके आएंगे। तो वी वर दी फर्स्ट टू गॉट हिट एंड वी विल बी लास्ट टू गॉट रिलीव्ड फ्रॉम कोविड। तो हम लोगों ने काफी संकट के साथ अपने सारे स्टाफ को रिटेन करा, अपने सारे खर्चे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल चलाए। हम लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार के साथ प्रयास करा कि हमारे होटल अगर किसी तरह कोविड में जनता के काम आ सके, जिसमें कोविड केयर सेंटर बने, क्वारंटीन सेंटर बने, निशुल्क बने, जिसका कि बिजली का बिल तक हम लोगों ने खुद भुगतान किया, हमने सरकार से नहीं लिया। कई हजारों लोगों को भोजन व्यवस्था हमारे होटल के कर्मचारियों ने अपनी तरफ से करी, हमारे होटल के मैनेजमेंट ने करी, जो हमारे स्टाफ फ्री था उन लोगों ने खाना बना करके अपनी सेवाएं दी। तो कोविड में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करा था। एक मानवीय अंश जो हमारी एसोसिएशन का था, जो मुझे भी नहीं पता था, मेरे सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा और खूब अच्छा कार्य किया। तो मुझे लगता है अब खत्म होने के बाद ईश्वर अपने आप किसी न किसी अच्छे कार्य का अच्छा रिजल्ट देता है, तो हमारे लिए भी कुछ न कुछ ईश्वर ने अच्छा सोच रखा होगा, जो धीरे धीरे दिखना भी शुरू हो गया कि इंडस्ट्री वापस सर्वाइव कर रही है, पुराने जैसी पोजीशन में हम लोग आते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ भी रहा है। पिछले कई दिनों से लोगों ने पार्टी बाहर आवागमन नहीं किया था, जो हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो हमारी इंडस्ट्री हमें ऐसा लग रहा है कि वापस सर्वाइवल की ओर ले जाती हुई ग्रोइंग स्टेज पर है, काफी अच्छी ग्रोइंग स्टेज पर। सर, जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है जी, और मोदी जी का सपना था जल वर्षा के पानी को कैसे सहेजा जाए, जी है ना जी। उसके लिए कई मिशन हुए, तो होटल इंडस्ट्री का क्या इस शहर में योगदान है? अपने सभी होटल के ओनर्स को ये बोल चुका हूँ, और 15 जून से पहले पहले सब लोग नियम से वाटर रिचार्ज अपने यहाँ करा लें, ट्रेंच बना लें, छतों का पानी बोरवेल में या जमीन में कैसे उतारा जा सकता है उसका कर लें। अभी बहुत जल्दी मैं मेरे 3 वेन्यूज के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ, जिसका कि उद्घाटन मैं माननीय जिलाधीश महोदय या कमिश्नर मैडम के साथ चर्चा करके करूंगा। उस दिन उनकी तरफ से एक एजुकेटिव क्लास भी लगाने की कोशिश करूंगा, जिसमें अपने सभी सदस्यों को बुलाऊंगा किस तरीके से वाटर रिचार्ज किया जाता है। मैं अपने कैंपस में उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा और सबसे पहले अपने यहाँ कराऊंगा, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल सेट करके मेरी सारी एसोसिएशन के सदस्यों से कहूंगा कि ये जल्द से जल्द हर होटल में वाटर रिचार्ज का काम कंप्लीट कर लिया जाए। कुछ हमारे होटल के मेंबर्स, रेस्टोरेंट मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिनसे मेरी चर्चा हुई है, उन लोगों का ये कहना है कि हम जो लोग अपने घर में वाटर रिचार्ज कराएंगे उनको डिस्काउंट भी देंगे। ठीक बात। तो जैसे अगर आपको नगर निगम वाटर रिचार्ज का सर्टिफिकेट दे देगी, तो आपको अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो आपको कुछ प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा, एक जन आंदोलन सा बनेगी। हर व्यक्ति की इच्छा हो कि मेरे घर में भी वाटर रिचार्ज हो, उसकी वैल्यू है, मैंने अपना रिचार्ज कराया, सर्टिफिकेट जारी कराया, जियो टैग करा, तो मुझे होटल में डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे होटल वाला सम्मान दे रहा है, हम उसको ऑनर किया करेंगे। जो व्यक्ति होटल में आएगा और अगर उसके घर में रिचार्ज है, उसको डिस्काउंट देकर के हम सम्मान देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर जी वापस से छठी बार नंबर 1 आने के लिए प्रयत्न कर रहा है, आ जाएगा सर, पक्का आएगा। होटल इंडस्ट्री में क्या योगदान रहा? डिस्पोजल प्लास्टिक, इन सब चीजों से क्या मुक्ति मिली? हम लोगों ने डे 1 से, पहले दिन से, आप मान के चलिए जिस दिन से हम पहली बार इंदौर पहली बार नंबर 1 आया था जी,
तो आदरणीय मनीष सिंह साहब उस समय आयुक्त हुआ करते थे जी, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने पहले दिन से सबसे पहले कचरा सेग्रीगेशन में, अलग अलग कचरा गीला सूखा अलग करने में, हमारे यहाँ पे खुद ही के यहाँ पे वेट वेस्ट को कंपोस्ट पिट बनाना जी, या कंपोस्ट के प्लांट बनाना की खाद बनाना वो हम लोगों ने शुरू करा था, जो आज तक सुचारू रूप से हर होटेलियर करता जा रहा है जी, और हम लोग उसके ऊपर सफल है। इस तरीके का और भी कोई आवश्यकता पड़ेगी अगर हमारी शहर को नंबर वन लाने में जी, तो हम लोग कंधे से कंधा मिला के जिला प्रशासन के साथ जैसे खड़े थे वैसे रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शहर है, अपना शहर है। जो भी प्रयास हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही, चाहे जल के लिए हो रहा हो, चाहे कचरे के लिए हो रहा हो, चाहे वायु प्रदूषण के लिए हो रहा हो, हर चीज हमारे शहर में हमारे लिए हो रही है, और ये प्रकृति हम हमारे बच्चों को दे करके जाएंगे, तो हमें हमारे बच्चों के लिए इसको सही चर्चा करेंगे जी। होटल इंडस्ट्री का सीधा संबंध जुड़ाव जो है टूरिज्म इंडस्ट्री से होता है जी। देश में जितने सैलानी या पर्यटक आएंगे उतना ही ज्यादा होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा जी। पर्यटन और होटल उद्योग विश्व में तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है हाँ जी। नई पीढ़ी में इसमें भविष्य की क्या अपार संभावनाएं हैं? मैं इसमें दो करेक्शन भी करूंगा साथ ही साथ कि नए पर्यटक आएंगे तब होटल बढ़ेगा ऐसा नहीं है। अच्छा। होटल बढ़ेंगे तो पर्यटक आएंगे, लोगों के रहने का साधन बनेगा, लोगों की व्यवस्था बनेगी जी, और अगर होटल होंगे तो ही पर्यटक आएंगे। आज अगर जैसे किसी अच्छे बड़े शहर की बात करता हूँ, इंदौर में अगर रेडिसन हो गया, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर हो गया, सयाजी हो गया, तो कन्वेंशन होनी शुरू हो गई जी। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर्यटक भी आएंगे तो होटल बढ़ेगा और होटल अच्छे होंगे तो पर्यटक आएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये बात आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखना चाहिए, जिनको कि ये ना देखा जाए कि मैं पहले सब काम कर लूं और उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो हमें भी साथ साथ इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है तो हम लोगों को साथ ही साथ अपने डेवलपमेंट्स भी करते रहने पड़ते हैं, और ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। युवा पीढ़ी को इसमें जरूर आना चाहिए, इसमें पैसा, व्यापार, नाम, इसके साथ साथ संबंध भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक बात है सर। इंदौर में अच्छे पर्यटकों का ध्यान, मतलब इंदौर आकर्षित कर रहा है जी। इंदौर एक औद्योगिक नगरी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाने वाला शहर है जी। तो सर ये बताइए कि आने वाले समय में कैसा रहेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भविष्य? भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान ने अपनी विश्वसनीयता कोविड के इन विगत दो वर्षों में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश करी है कि हमारा हिंदुस्तान एक विश्वसनीय देश के रूप में जाना जा रहा है जी। हम लोगों ने यहाँ जिस तरीके से पर्यटकों का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो योजनाएं हैं या स्टेक होल्डर्स का भी जो पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा है, तो भविष्य तो हमारी इंडस्ट्री का बहुत उज्ज्वल है जी सर, और बहुत अच्छा है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले 5 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए ऐसे रहने वाले हैं जो कि अकाल्पनिक रहेंगे, इतनी तरक्की होगी। सर मैंने अनुभव किया है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड से फोन आते हैं, मेरे पास होम लोन से फोन आते हैं, मेरे पास प्लॉट खरीदने के लिए फोन आते हैं, मेरे पास इंश्योरेंस के लिए फोन आते हैं, कभी मुझे होटल इंडस्ट्री से कभी फोन नहीं आया कि हमारा अभी ये चल रहा है ऑफ सीजन, आप परिवार के साथ भोजन करने आइए, इतना परसेंट डिस्काउंट है। क्या ये होटल है, छोटी हो या बड़ी हो, क्या ऐसा करना नहीं चाहिए प्रमोशनल स्कीम जो कि व्यक्तिगत लोगों को फायदा मिले? ऐसा मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को अभी तक इस तरीके की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि भोजन करना या औपचारिकता में अपने परिवार के साथ घूमना ये एक खुद की व्यक्ति की आवश्यकता है जी। और टेलीकॉलिंग या इस तरीके की फोन कॉल्स करके मुझे मेरी इंडस्ट्री में आवश्यकता नहीं लगी कि इस तरीके का व्यवसाय बढ़ाने के लिए हम लोगों को टूल का इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा, अच्छा। पर्याप्त हमारा प्रेजेंटेशन रहता है, हमारी प्रेजेंस रहती है शहर में। आप अच्छे मार्ग से गुजरेंगे तो होटल दिखेगा आपको जी, उसके बोर्ड्स दिख जाएंगे, साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे, फिर क्वालिटी बोलती है जी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रहती है। तो हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके के टेलीकॉलिंग की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा है। सर एक सवाल ये था कि जब दिल्ली या मुंबई में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं होटल इंडस्ट्री पर जी, इंदौर में आप लोग की एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है जी, काफी बड़े होटल है, खुद की जगह है, खुद का मैन पावर है जी, और आपका मार्गदर्शन है जी। तो ऐसा होना चाहिए कि इंदौर भी एक बड़ा इवेंट करे होटल इंडस्ट्री पर, फूड इंडस्ट्री पर। हम लोगों ने कुछ समय पहले FHRI कन्वेंशन करी थी जी,
जो पहली बार मध्य प्रदेश में मैं बहुत एफर्ट डाल करके लेकर के आया था जी 2016 में जी। होता क्या कि नेशनल इवेंट्स के लिए हर राज्य हर जोन की एक इच्छा रहती कि मेरे यहाँ हो जी। तो जैसे 2016 में हम लोगों ने FHRA कन्वेंशन करी, 2012 में मैंने रीजनल कन्वेंशन करी थी जी। अब दोबारा ड्यू है, कभी भी पिछले वर्ष ही हो चुकी होती, कोविड की वजह से आगे बढ़ गई है, पर कभी भी हम लोग एक बड़ा आयोजन प्रयास करेंगे कि 2022 में ही होटल इंडस्ट्री का एक भव्य आयोजन जिसमें पूरे देश के होटेलियर्स मध्य प्रदेश में इंदौर में शिरकत कर सके, ऐसा आयोजन मेरे ध्यान में है और मैं प्रयासरत हूँ क्योंकि इसमें नेशनल बॉडी से अप्रूवल लगता है जी। और उनको हर राज्य हर शहर को अवसर देना पड़ता है। ठीक बात। इतना बड़ा भारतवर्ष है, इसमें हर राज्य, जैसे हम लोग चार भाग में बटे हुए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जी। तो वेस्ट में ये कन्वेंशन 2016 में हो गई, हम वेस्ट जोन में आते हैं। ठीक बात। राष्ट्रीय दृष्टि से हम लोग वेस्ट जोन में आते हैं, तो वेस्ट जोन की 2016 में हुई, अब दोबारा ड्यू है, कभी भी ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आप सुन लेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे स्तर पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी को रोजगार मिलेगा, उसमें टेंट इंडस्ट्री है, वेंडर्स हैं, होटल के लोग हैं और जो होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी देखने का इस ये इवेंट को अवसर मिलेगा। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता है, उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है ये पार्ट। मैं ध्यान कर सकता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था होटल मैनेजमेंट का, अच्छा, उस समय मैंने एक रीजनल कन्वेंशन को एज ट्रेनिंग अटेंड किया था, उसका जब मैंने दो कन्वेंशन उसके बाद करा ली तो मैंने मेरे सभी साथी, ऐसे मेरे जूनियर्स जो इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, उन सब लोगों को बहुत सिखा के बुला करके अपने साथ पार्टिसिपेट कराया था, तो बड़ा हौसला अफजाई वाला कार्यक्रम रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी मेरा एक बहुत अहम कारण है कि मैं उसको यहाँ करना चाहता हूँ क्योंकि अब यहाँ होटल मैनेजमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट आ गए हैं जी। मैं खुद गवर्निंग बोर्ड पे हूँ, राज्य सरकार जो होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। सर आजकल का जो युवा है जी, पढ़ लिख कर उसका सपना होता है कि मैं एजुकेशन करूँ या जॉब करूँ अच्छे से या हायर एजुकेशन में जाऊं, उसके साथ साथ में दोस्तों के साथ वो अपना कैफे रेस्टोरेंट खोल लेता है और खोलने के बाद में 6 महीने चलाता है, इसके बाद वो बंद हो जाते हैं। तो उन युवाओं के लिए कोई ऐसी टिप्स दे दीजिए ताकि वो आपके मार्गदर्शन में उस टिप्स का फायदा उठा सके, उस टिप्स का लाभ ले सके। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए, मेरा ये सुझाव है कि कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय तय करने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। ठीक बात। 20 बार सोच लीजिए, 50 बार सोच लीजिए, पर उसमें फिर कंसिस्टेंट रहिए, उससे विड्रॉ होने, अगर आप पहले ही विड्रॉल के भी सारे ऑप्शन सोच लें। आजकल का युवा बहुत जल्दी क्षणिक कोई डिसीजन लेता है, तुरंत उस पर एक्शन लेता है जी। और तुरंत उस पर विड्रॉ भी उतनी शिद्दत से कर लेता है। ठीक बात है। तो कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच लें, एक्सपर्ट से मुलाकात कर लें, एरिया की रिसर्च कर लें, और उसके बाद माता पिता का पैसा या खुद का पैसा या दोस्तों का पैसा जो भी लगा करके काम किया जा रहा है, उसको बड़ी जिम्मेदारी से ये करें कि क्या मैं इस काम को लगातार कर पाऊंगा, और छोटी सी हार पे हार भी ना माने। ठीक बात है। बहुत छोटी सी हार के ऊपर व्यक्ति विड्रॉ कर जाता है, छोड़ जाता है। कंसिस्टेंसी एक शब्द है जी, जिसके अंदर अगर व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंटली कोई काम करता रहे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी जी। पर हाँ, चयन करते वक्त भी बहुत जरूरी है कि उसको सारा रिसर्च एनालिसिस सर्वे बहुत प्रॉपर करके अपना व्यापार व्यवसाय का चयन करना चाहिए, और एक बार तय कर लिया तो फिर उस पर विड्रॉ नहीं करना चाहिए। हमने भी जिंदगी में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे जहाँ फेल हुए, पर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली उस कार्य को करते रहे तो आज यहाँ जाकर के पहुंच पाए। एक दिन में तो ना मैं यहाँ पहुंचाऊंगा ना और कोई सफल व्यक्ति यहाँ पहुंचा होगा, लगातार कार्य को करना पड़ेगा और उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक। ये आजकल के युवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जहां तक कि हमारी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर की बात करूं या युवाओं के लिए रोजगार या उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है उसकी बात करूं, तो ये एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आपको रोटी कपड़ा मकान तीनों तरीके की समस्या से निजात मिल जाता है। दूसरा, आप हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर 5% बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, 100 एम्प्लॉई है तो 95% अंडर ग्रेजुएट और स्किल बेस्ड एम्प्लॉई रहते हैं, 5% MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इनकी जगह मात्र 5% है। तो बहुत सारे युवाओं के लिए जिनके पास की अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करी पर उनमें स्किल है, कौशल है जी, तो कौशल का कुशल उपयोग हमारी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में किया जा सकता है। तो ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें युवाओं के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं और आसमान लिमिट है साहब। हमारे होटल्स के अगर आप देखेंगे तो 5-स्टार होटल्स के ओनर भी आज उतनी मेहनत करते हैं और युवा हैं,
आप देखने जाएंगे तो मेहनत आपके साथ सदा काम करेगी। तो आज हमारे साथ थे मध्य प्रदेश होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, अपनी टिप्स दी, युवाओं के लिए कुछ बात करी और रोजगार की कुछ बात करी और होटल इंडस्ट्री को साथ लेकर उनके हित की बात करी। तो धन्यवाद सर आपको हमारे इस स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका ये प्रयास सफल रहे, आपकी ऊर्जा बनी रहे और इसी तरीके से आप अच्छे लोगों से बातचीत करते रहें। मैं भी आपका चैनल अब जरूर सब्सक्राइब करके रखूंगा ताकि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं और अच्छे लोगों को सुन समझ पाऊं, आपकी नजरों से देख पाऊं।